नमस्कार मैं प्रोफेसर रामबक्श भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली आज हम मध्यकालीन का काव्य दो यानी भक्ति काव्य के सूरदास की रचना भ्रमरगीत सार के जो कुछ पद हैं उन पदों की आप व्याख्या करेंगे और उन पदों को समझने की कोशिश करेंगे इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सूरदास के कुछ पद जो चुने हुए पद हैं उन पदों का अर्थ समझ पाएंगे उन पदों का विश्लेषण समझ पाएंगे और उस विश्लेषण के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि किसी भी कविता का जब आप व्यावहारिक विश्लेषण करते हैं तो वो व्यावहारिक विश्लेषण किस तरह से होना चाहिए और इस तरह से उन पदों के माध्यम से सूरदास क्या कहना चाहते हैं ये भी हम इनके माध्यम से जान पाएंगे तो एक तरह से इस व्यावहारिक विश्लेषण के द्वारा इन पदों के अर्थ का विश्लेषण करते समय हम जान पाएंगे कि सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जो पहला पद हमने इसके लिए चयन किया है आप लोगों के लिए वो पद है जोग ठगोरी ब्रजन बिकई हैं यह व्यापार तिहारो ऊदो ऐसो ही फिर जई है जा पे ले आए हो मधुकर ताके उर्न समय है दाक छाँड के कटुक निबोरी को अपने मुख हैं मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल हैं सूरदास प्रभु गुण छाण के को निर्गुण निर्वय हैं ये गोपियाँ और उद्धव की बातचीत है और आप जानते हैं कि भ्रमर गीत में गोपियाँ और उद्धव का संवाद होता और इस संवाद की विशेषता यह है कि ये संवाद यानी एक संदेश देने के लिए उद्धव आए थे और गोपियों को उन्होंने जो भी संदेश देना था वो दे दिया अब गोपियों के मन में गोपियों ने उस संदेश की अपने ढंग से व्याख्या की और होता यह है कि किस तरह से जो बोलने वाला है वो अपने ढंग से अपनी बात कहता लेकिन सुनने वाला अपने ढंग से समझता तो वो जो वो जो दोनों के बीच की जो भेद का जो भेद है वो समझने के ढंग में अपनी रुचि से अपनी पसंद से हम किसी भी अर्थ को ग्रहण करते हैं गोपियों को सूरदास की बात माननी नहीं थी और यह निश्चित पहले से ही हो गया था कि गोपियाँ सूर इनके उद्धव के कहने से निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर रही और इसके लिए वो तरह तरह के तर्क गढ़ती अब हमको ये देखना है कि इस पद में उन्होंने कौन सा तर्क घटा एक बात और इस पद को समझने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये जो है मूल जो तर्क है उद्धव का और गोपियों का जो है वो तो बहुत ही छोटा सा बहुत सामान्य सा है कि आप निर्गुण ब्रह्म के लिए लेकर के आए हो और निर्गुण ब्रह्म से हम सहमत नहीं हैं या हमारे में सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे बस इतना इतिहास तो बात है चार पदों में इसको लेकर के वो कैसे कहेंगे तो वो क्या करते हैं कि प्रस्तुत तो कम है और जिसे कहना चाहिए अप्रस्तुत विधान लाते हैं अब ये जो निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश लेकर के आए जो उपदेश लेकर के आए इस पूरे उपदेश को एक व्यापार के तर्क में बदल दिया और इस तरह से बदल दिया जैसे कोई उद्धव जो है वो अपने आइडिया अपने विचार अपनी मान्यताएं अपना दर्शन बेचने के लिए आए हैं वो दर्शन किस चीज़ का है निर्गुण ब्रह्म का अब जो व्यापारिक गतिविधियां उन व्यापारिक गतिविधियों से आप निर्गुण के उपदेश का सामंजस्य गोपियों ने बिठा दिया और दूर से देखने पर ये कोई गलत बात नहीं लगती भाई आप ये देने के लिए आए हो तो बेचना ही है ना विचार भी तो बिकते हैं तो आप ही विचार बेचने के लिए आए हो अब बेचने के लिए तो आए हो लेकिन हम तो नहीं खरीदने इसको तो न खरीदने का कोई तर्क भी तो होगा तो उस तर्क की तरफ गोपियाँ लेकर के जाती है और ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो मना नहीं करते हुए भी मना तो जैसे उन्होंने कहा जोग ठगोरी ब्रजन बिके ये जो योग है ये ये ठगने का सौदा है अब आप एक देखिए गोपियाँ जो जो बात कहती हैं उसके अंदर ये ना ठगोरी शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ठगना किसे कहते हैं ठगने में क्या होता है किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बना करके उसकी नासमझी का फायदा उठा करके चतुर चालाक लोग महंगी चीज बेच देते हैं अपना दे देते हैं दूसरों से ले लेते हैं तो ये जो ठग वाला काम है तो ये ऐसा लगता है जैसे ये उद्धव जो है वो ठग की तरह आए गोपियों ने ये नहीं कहा कि उद्धव ठग है वो मेरे खम को ठगने के लिए आए लेकिन उनका कहना है कि जो चीज़ लेकर के आए हो ये दर्शन जो लेके आए हो ये ठगने के लिए और अब इसका आग इस इस पद से भी अगर आप बाहर की व्याख्या करेंगे तो ये एक तरह का ठग ही है कि कृष्ण प्रेम करना बंद कर दो तो गोपियों ने कहा कि ये जो तुम के आए हो ये ब्रज में नहीं बिकेगा जाहिर है कि वो बेचने के लिए नहीं आए थे लेकिन गोपियों ने उसको ऐसी असुविधाजनक स्थिति में रखी जो तुम बेचने के लिए आयो ये तुम्हारा सामान हमारे यहाँ नहीं बिकेगा और सारे ब्रजवासियों की तरफ से एक प्रतिनिधि की तरह से एक गोपी ने बोला या सबकी एक मान्यता सामूहिक रूप से आई कि तुम्हारा ये सामान यहाँ नहीं बिकेगा तो बेचने खरीदने में तो आदमी साफ साफ बोलता इसलिए है इसलिए गोपियाँ अगर साफ साफ बोलती है आपको बेचना है हमको खरीदना हमको तो नहीं खरीदना क्यों नहीं खरीदना क्योंकि तुम्हारा ये जो बेचने करने का जो व्यवहार है ये ठगोरी है हमको तो लेन देन हमेशा ईमानदारी से होता है जितना पैसा देंगे उतना हमको सामान मिले या अगर हमको कोई सस्ता मिले तो हम ले लेंगे हम महंगा क्यों लेंगे तो जो भावताव होता है बाजार में खरीद बिक्री में वो दोनों को ग्राहक को भी फायदा होना चाहिए और दुकानदार को भी फायदा होना चाहिए यहाँ पर तो ग्राहक को ठगरे तो ये तो भैया नहीं चलेगा तो एक एक अर्थ जो जो ही किया गोपियों ने और एक ऐसी जगह पर उसको बिठा दिया जहाँ पे वो अगर अपने आप को कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ तो वो भी अपनी ठीक कह नहीं पाएगा ये व्यापार तिहारो ऊदो ऐसो ही फिर जाए ये जो तुम व्यापार के लिए चीज़ें लेकर गए हो सामान्य अर्थ में तो एक सामान्य साह भाई तुम जो चीज़ें लाए हो ये वापस चल जाएगी यहाँ पर हम कोई नहीं ले अब यहाँ पर अर्थ क्या किया चूंकि वो निर्गुण का उपदेश देने के लिए आए थे और उनके मन में सगुण कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था उस प्रेम भाव को समाप्त करना चाहते हो ये जो तुम्हारा जो दर्शन है ये यहाँ पे बिकेगा ही नहीं तुम्हारा माल नहीं बिकेगा तो जैसे लाए हो वैसे तुम वापस ले जाओ तो एक तो ये हो गया जा पे ले आए हो मधुकर ताके उर्ण समय है अब तुम लाए हो सामान अब जो सामान है चूंकि दस 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 का सामान है दस का सामान है तो भाई ठीक है आपने एक बात कही ये तो है नहीं कि भाई टेबल कुर्सी की तरह का कोई सामान है जिसको आपने रख दिया आप विचार लेकर के आए हो और विचार कहाँ जाएगा विचार हृदय में जाएगा हृदय में जगह नहीं और यह इतना बड़ा है और हमारा हृदय इतना छोटा है कि उसके अंदर समाहित ही नहीं होता क्या करें हम क्योंकि हृदय में और आगे गोपियाँ अलग से कहती भी है कि मैं हमारे मन में तो कृष्ण बसे हुए तो इसमें जगह समाहित नहीं होता और समाहित नहीं होता इसमें यह होता है कि वैसे ले लेते अगर हृदय में समाहित हो जाता जगह हो जाती दूसरी बात उर में न समय का सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सहमत नहीं हैं हम तो कोई समान तब लेंगे जब हम सहमत हो जाएं तो हम सहमत नहीं हैं तो हमारे उर में हमारा हृदय से हमको यह नहीं लगता कि ठीक है और दूसरा ये भी अर्थ है कि ये हमारे हृदय में जगह नहीं तो गोपियाँ एक बड़ी समझदारी से उस उस बात को मना करने का भी कितना अच्छा अच्छा तरीका गोपियाँ निकालती है इसे हम भ्रमर गीत के अंदर देखें सामने सामने एक व्यक्ति आया है जो हमसे प्रेम करता है उसने संदेश भेजा है हमारे फायदे के लिए भेजा है लेकिन हमको उसे स्वीकार नहीं करना तो आपसी रिश्ता हमारा अच्छा बना रहे तो क्या कहा कि तुम्हारे माल में एक तो खराबी है दूसरा जो है ये हमारे मन में ये हृदय के अंदर ये जगह नहीं है तो वो हमारे चित्त में वो समाहित नहीं होएगा हमारे उर्म में समाहित नहीं होएगा उर् हृदय हृदय में तो प्रेमी रहता प्रेमी कृष्ण है तो ये निर्गुण वाला हमारा मामला नहीं रहेगा अब ये इसके बाद ये तो एक मूल मान्यता हो गई और सूरदास के जो गोपियाँ हैं यहाँ पर अपनी मुख्य स्थापना कर दी कि ये हमको तुम्हें कहना ठीक है ये उन्होंने कह दिया लेकिन अब सूरदास का की जो समझ है और जिंदगी को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से देखा है और गोपियों को भी जिंदगी की समझ है तो जीवन के और और उदाहरण देकर के अपनी बात कह रही अब तक तो दर्शन था अब जीवन के दूसरे उदाहरण आ गए और ये दूसरे उदाहरण से जिसे कहना चाहे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता की अर्थभूमि का विस्तार होता अब आप जीवन का उदाहरण वही हर एक व्यक्ति नहीं दे सकता जिसको इन चीज़ों का पता है वही तो दे सकता है अब उन्होंने लिखा कि दाँक छाट के कटुक निम्बोरी को अपने मुख है ये जो दाख है माने अंगूर की जो सूखी हुई वो वो अंगूर को दाखों को छोड़ करके नीम की जो निम्बोली है वो तो बड़ी कड़वी होती है और खाओ तो मुँह कैसा कैसा हो जाता है उसको कौन अपने मुंह में धरेगा भैया वो तो मीठी है अब एक और चीज़ भी कि आमतौर से मीठा पसंद होता है अब आप ये ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा पसंद नहीं होता अब हम वैज्ञानिक रूप से दस बातें निकालें लेकिन एक सामान्य लोग विश्वास ये है कि लोगों का मानना ये कि भाई मीठा अच्छा होता तो दाखें अच्छी होती तो ये कृष्ण का जो प्रेम है ये तो दाख है ये नहीं कह रही गोपियाँ गोपियाँ कह रही खाली इतने ही तुलना करो दाख का और इसका निम्बोली का तो अगर आप इनकी तुलना करो तो कौन अपना अपनी दाख देकर के और निम्बोली कौन मुंह में लेगा तो निर्गुण लेकर के अपना सगुण का कृष्ण का प्रेम लेके और निर्गुण हम क्यों स्वीकार करें ये जो तुलना है ये तुलना वही कभी कर सकता है ना जिसने निम्बोली भी चक्र की दाख भी चक्र की और तब कबीर ने तब ईसूरदास ने जो असंबद्ध चीजें हैं उनकी तुलना करी और एक तरह चलो बताओ ये ऐसे कौन करेगा तो जो अर्थ इसमें है वही अर्थ तुम्हारे निर्गुण में हमारे लिए फिर उन्होंने एक एक उदाहरण से लगा कि एक उदाहरण से बात बैठती नहीं है और कुछ पूरी बात भी कहनी चाहिए समझ में नहीं आया हो सकता तो फिर वो नया उदाहरण देती गोपियाँ कि मूरी के पातर के केना को मुक्ता हल दे तुम जो है ना मूली के पत्ते लेकर आए हो उसके बदले में मुक्ता हल मुक्ताफल मोती कौन देगा मोतियों के भाव तुम मूली के पत्ते बेच रहे हो जाहिर है कि गोपियाँ गांव में रहती हैं वहाँ पर मूली पैदा होती है पैदा होती है तो सस्ती होती है या अपने खेत में जाके वो मुफती ले आते हो लेकिन तुम ये जो इतनी सस्ती इतनी सरसुलभ जो चीज़ लेके आए हो उसके बदले में इतनी महंगी चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है मोती बड़ी मुश्किल से हमने कमाया वो रिश्ता हमने कमाया उसको कोई कैसे देगा अब आप इसकी तुलना कर दो जब आप व्यापार करते हो तो कीमत को भी तो देखना होता है ना तो आप कौन सी चीज़ दे रहे हो कौन सी चीज़ ले रहे हो तुम दे रहे हो मूली की पत्ते और हमसे ले रहे हो मोती अब उसको भूल जाओ कि उन्होंने उद्धव और के कृष्ण प्रेम और निर्गुण की बात हो रही अभी तो एकदम सामान्य दाग की तुलना निंबड़ी से और मूली के पत्तों की इनसे सूर्यदास प्रभु गुण ही छोड़ के को निर्गुण निभे अच्छा अब चलो बताओ कौन ऐसा है जो ये लेगा अब यहाँ पर गोपियाँ ये नहीं कहती कि हम तो नहीं लेंगे और गोपियाँ यहाँ पर कहती उसी से सवाल करती है। जो बताने वाला आया जो सवाल करने के लिए आया है उसी से कह रहा है भैया कोई भी नहीं लेता आप किसी से पूछ लो कौन गुण को छोड़ करके और निर्गुण लेगा गुण अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया गोपियों ने अर्थ को जो दर्शन का अर्थ है गुण और निर्गुण यहाँ सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर का की बहस हो रही तो पहले तो उसमें से सगुण शब्द में से स हटा दिया अब खाली गुण रहा जब आप गुण कहते हो तो वही अर्थ नहीं है जो सगुण कहने पर होता है क्योंकि तब वो दार्शनिक बहस में चला जाता है अब दार्शनिक बहस को गोपियों की विशेषता यह कि वो लोक जीवन में ले आती और लोक जीवन का उदाहरण देकर बता दो कोई करता है क्या गुण को गुण माने किसी भी चीज़ की अच्छी बातें विशेषताएं आपकी क्या है जो जिसे फायदा होता है लाभ होता है उपयोगी होता है जो भी आप उसकी विशेषता करो निर्गुण जिसे कुछ भी नहीं होता लेकिन ये निर्गुण का अर्थ नहीं जो कोई फायदे की चीज़ नहीं का ऐसी खा लो लेकिन कुछ पेट भर जाएगा लेकिन इसमें कोई तत्व तो नहीं फायदा इसे कुछ नहीं होगा तो ये निर्गुण शब्द का अर्थ गोपियों ने अपने ढंग से बदल दिया तो चलते चलते भाषा में शब्दों का जो अर्थ बदल देना होता है ये एक बड़े कवि की विशेषता होती है और बड़े कवि ने सूरदास ने ये इस पद के माध्यम से गोपियों को ऐसी विशेषता की तरफ ले आए और फिर ये की बात ये कि जो मैं मानता हूँ वो उससे मैं तुमको कन्विंस कर रहा हूँ सहमत कर रहा हूँ आप भी सहमत हो जाओ आप कह दो कि ये बात सही नहीं है क्योंकि मैंने तो लोक जीवन का उदाहरण दिया उदाहरण मैंने दाख का दिया मूली के पत्तों का दिया या मोती का दिया और नीम की निम्बोली का दिया इनसे तुलना करके बताओ कोई भी ऐसा स्वीकार करेगा और जब कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इंद के बारे में तो हम ही क्यों स्वीकार करें तुमने हमको कैसे मान लिया ये होएगा तो इस तरह से गोपियों का ये जो बहस है ये जो बातचीत है ये जो संवाद है इस संवाद में एक खास तरह से उद्धव को उलझा देती और उलझा करके अपने स्थान को जगह जगह से बदल करके और वो इस पे ले आती है कि हम जो असहमत हैं तुमसे ये असहमति जो है इसलिए नहीं है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे इस पे कोई बात ही नहीं हो रही हम तो इसलिए कि तुम्हारी जो बातें हैं वो अभी हमें सहमति सूचक नहीं हो रही इसलिए वो कहती हैं कि ये नहीं हो सकता तो अब इस पद को अगर हम वापस पढ़ें कि जोग ठगोरी ने बिके हैं ये व्यापार तिहारो ऊदो ऐसो ही फिर जई हैं जा पे ले आए हो मधुकर ताके उर्ण समय है दाक छाँड के कटुक निम्बोरी को अपने मुखही हैं मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दे सूरदास प्रभु गुण छोड़ के को निर्गुण निभे ये जो है सूरदास एक ही पद में सूरदास ने और इस तरह गोपियों ने उद्धव की बात का जवाब भी दे दिया अपने मत को भी रख दिया और ये भी साबित कर दिया कि तुम जो लेकर के आए हो तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो अब अगला जो पद है वो पद है उदो श्याम सखा तुम सांचे के कर लियो स्वांग बीच हीते वैसे ही लागत कांचे जैसी कई हमें आवत ही औरन कई पछताते अपनों पति तज और बतावत मेहमानी कुछ खाते तुरंत गोन कीजिए मधुवन को यहाँ कहाँ ये लाए सूर सुनित गोपन की बानी उद्धव शीश नवाए अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से हल्का सा एक मजाक करने के मन स्थिति में आ गई और ये माना जाता है कि और प्रसिद्ध है सही भी है कि उद्धव जो है वो कृष्ण के मित्र थे और मित्रों में जो है विशेषता एक खास तरह की विशेषता होती है कि मित्रों का स्वभाव जो है वो मिलता है और इस तरह से जैसा एक मित्र होता है वैसे संगति का फल होता है इसलिए आपके किस प्रकार के मित्र हैं ये एक लोक विश्वास और जिंदगी के बारे में एक लोक की समझ है अब गोपियों ने इस कृष्ण और उद्धव के इस रिश्ते को आधार बनाया और आधार बना करके उन्होंने कहा कि हे उद्धव बाकी सब तो बातें ठीक है तुमने जो निर्गुण की जो भी बात कही थी ज्ञान हमको देने के लिए आए प्रेम हमसे करते हो हमारे दुख को दूर करने चाहते हो वो सब ठीक है वो सब एक तरफ रख देते हैं लेकिन अभी सिर्फ एक बिंदु पर बात करते हैं और वो ये कि बहस वहस छोड़ो सिखाना पढ़ाना सब छोड़ो अभी लेकिन हमको तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि ऊ श्याम सखा तुम साँचे तुम श्याम के सचमुच के सच्चे मित्र हो भाई तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम जो है ना तुम्हारी दोस्ती तो बड़ी पक्की है साचे सच्चे दोस्त हो तुम साचे दोस्त का मतलब ये सच्चे का यहां पर वो अर्थ नहीं है कि तुम सचमुच में बड़े विश्वसनीय ये अर्थ नहीं है वो ये कि जो विशेषता उनमें है वही विशेषता तुम में है इसलिए वो तुम्हारी मित्रता तो बड़ी समझ में आई हमको ये एक तरह से हल्का सा एक कटाक्ष उनके रिश्तों पर गोपियां करती है और ऐसी जगह ले आती है जहाँ पर आदमी अपने बारे में विचार करता रहता है और जैसा भी अगर हम विचार करें कि किसी बहस के बारे में किसी संवाद हो रहा हो दार्शनिक विवाद हो रहा हो तो विवाद का जो मुद्दा होता है वो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण होता है आप कि आप किस विषय पर बात कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं उस पर बात कर रहे हो या जो आप कह रहे हो उस पर बात कर रहे हो अगर आप जो कह रहे हो उस पर बात कर रहे हो तो बात अलग तरह से होएगी और जो मैं कह रहा हूं उस पर होएगा तो बात अलग तरह की होएगी यहाँ गोपियों ने बड़ी समझदारी की कि अपने ऊपर बहस का मुद्दा नहीं रखा बहस का मुद्दा उद्धव की बात का रखा तो बहस निर्गुण पर हो रही है और उद्धव अपने लेकर के आए उस पर हो रही है तो गोपियों ने कहा कि जो तुम ले आए हो उसको छोड़ो लेकिन तुम हो बड़े जोरदार मैं देख के हमको एकदम मजा आ गया श्याम सका तुम सांचे कैसे हो तुम विशेषता उन्होंने क्या बताई के कर लियो स्वांग बीच हीते वैसे ही लागत कांचे ऐसा लगता है कि तुमने बीच में नहीं न स्वांग कर लिया कि भाई हमें यहां जा करके और गोपियों का ये बताते बताता हूँ और ये निर्गुण का उपदेश देता हूँ ये स्वांग एक नाटक एक अभिनय करा और अभिनय कृष्ण भी करते थे कृष्ण तो नटवर लाल थे बहुत अभिनेता था बड़े भारी थे कभी रूठ जाते थे मटक जाते थे कुछ का कुछ करते थे तो लेकिन गोपियाँ कहती है कि वो पकड़ जाते थे हमेशा क्योंकि वो कच्चे थे अभिनय में जैसे वो कच्चे थे ऐसे तुम भी कच्चे और इस तरह से इस पंक्ति से पता चलता है कि गोपियाँ यहाँ पर प्रियास के माध्यम से उद्धव पर चोट कर रही है उद्धव के व्यक्तित्व को छोटा साबित करने की कोशिश कर रही लेकिन अपमानित नहीं कर रही क्योंकि अपमानित करना तो गोपियों के जो जो राजनीति है या जो गोपियों का जो मन है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता इसलिए वो अपमानित नहीं करती बहुत इज्जत प्रेम से उनको रखती है और कहती है कि तुम तो हो तो लगते वैसे ही कच्चे जैसे कृष्ण कच्चे थे स्वांग करने में उसी तरह से तुम भी कच्चे हो अब तुमको एक बात बताएं और उसके बाद में उसे कहती है कि जैसी कही हमें आवत ही आते ही तुमने हमको जो बात कही अगर तुम और को कह देते तो तुम्हें पश्चाताप होता कि कैसे हो आप किससे कौन सी बात कह रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां पर पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति और परंपरा को उन्होंने रखा कि आप किसी भी तरह से एक स्त्री से ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो अपने पति को छोड़कर के और दूसरे पुरुष के पास चली जाए ये तो हमारे लिए असंभव कल्पना है और गोपियों ने इस असंभव कल्पना को तर्क की तरह इस्तेमाल किया उद्धव ने यह नहीं कहा था लेकिन अगर आप निहतार्थ से गूढ़ अर्थ से अगर आप दूसरा अर्थ करना चाहो तो गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए तो कृष्ण को छोड़ के और सगुण भक्ति को छोड़ के निर्गुण भक्ति को प्राप्त मानना वैसा ही है जैसे अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के पास चले जाओ तो अगर तुम ये बात जो हमको कहिए हमने तुम्हारा ध्यान रखा क्योंकि तुम हमारे कृष्ण के मित्र हो इसलिए बहुत बार हम मित्रों की बातों को तरह दे देते हैं छोड़ देते हैं कोई बात नहीं अपना दोस्त है कह दिया कोई बात नहीं लेकिन अनजान व्यक्ति को आप नहीं कह सकते इसलिए गोपियां बराबर कहती है जैसो कही हम आवत ही और न कही पछताते अगर तुम ये बात किसी दूसरे को कहते तो पछताते क्या हुआ अपनो पति तज और बतावत मेहमान ही कुछ खाते अगर तुम ये बात कहती अपने पति कहते अपने पति को त्याग करके कि दूसरे का रास्ता बताते तो तुम्हें अच्छी खासी मेहमानी मिलती अब ये मेहमानी क्या हुई मेहमानी तो मेहमान को खाना खिलाना हुआ लेकिन यहाँ मेहमानी का अर्थ बदल गया और मजाक में मेहमानी का अर्थ यह कि थोड़ी बहुत मार पिटाई आपकी होती और आपको कष्ट में आपका जीवन हो जाता और जो मिलता वो मेहमानबाजी होती क्योंकि तुमने किया कुछ नहीं था अपराधी नहीं हो लेकिन बिना कुछ करे हुए भी आपको जो मुफ्त में मिल जाता और मेहमानी है ये तो अगले की कृपा है कि वो आपको देता तो आपको जरूर देता तुरंत गौन कीजिए मधुवन को यहाँ कहाँ ये लाए ऐसा करो उद्धव तुरंत यहाँ से गोवन करो गमन करो यहाँ से जाओ चले जाओ और ये क्या यहाँ पर ले आए फालतू सी चीज़ और उसके बाद में सूर सुनत गोपिन की बानी उद्धव शीश नवाए सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि ये बात सुनने के बाद गोपियों की ये वाणी सुनने के बाद उद्धव ने अपना सिर नवा लिया सिर नीचे कर दिया ये सिर निवाना एक तरह से पराजय स्वीकार करना है। एक ऐसा व्यक्ति जो दर्शन का विशेषज्ञ है जो ज्ञान का विशेषज्ञ है जो प्रकांड पंडित है और जिसे कृष्ण भी मानते हैं कि बहुत प्रकांड पंडित है उस व्यक्ति ने गोपियों के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और पराजय इसलिए स्वीकार की कि उन्होंने जो तर्क दिया जिस तरह से निर्गुण सगुण विवाद को को जिस तरह से रूप दे दिया उन्होंने अपने ढंग से ये एक तरह की बड़ी ही कष्ट दूर कल्पना है उद्धव सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी तर्क हो सकता और ऐसी असंभव कल्पना सूरदास ही ला सकते हैं गोपियाँ ही ला सकती है तो उन्होंने कहा अगर तुम तुम्हारी जो बात है वो हमारे लिए तो इसी तरह लगती है जैसे अपने पति को छोड़ के और दूसरे के पास जाने का तुम रास्ता बता रहे हो निर्गुण छोड़ कर के सगुण छोड़ के तुम हमें निर्गुण की तरफ भेज रहे हो इसलिए क्या कह रहे हो जरा अपने तर्कों को देखो हम तो तुम्हारे हितु है हितैषी हैं हम तो तुमको बता रहे हैं ये बात इस बात का ये भी एक अर्थ है कई बार ऐसा होता है हमारी बातों का एक ही अर्थ नहीं होता अनेक अर्थ होते हैं या जो आजकल जो विखंडनवादी जो दर्शन है तो वो विखंडन वाले तो कहते ही हैं कि एक अर्थ के बाद में उसका विखंडन करो तो दूसरा अर्थ हो जाता तो गोपियों ने भी यहाँ पर उद्धव की बात का प्रकारांतर से विखंडन कर दिया और विखंडन करके उन्होंने कहा देखो इसका तो ये अर्थ निकलता है तो अगर पति के संदर्भ में ये अर्थ निकलना सही नहीं है तो दार्शनिक चिंतन के लिए और हमारे विश्वास के लिए भी तो यही बात है इसलिए हे उद्धव तुम तुरंत यहाँ से जाओ और एक तरह से गोपियों ने उद्धव को जाने का भी कहा और ये भी कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन कोई अपमानजनक टिप्पणी जो इस भ्रमर गीत सार की सबसे बड़ी विशेषता है कोई अपमानजनक वचन न गोपियाँ कहती है न उद्धव कहते हैं लेकिन अपनी सब बात कहते हैं जो वो मानते हैं आप ईमानदारी से अपनी बात कहो लेकिन किसी को बुरा नहीं लगे और कोशिश करो कि बुरा नहीं लगे लेकिन आपको अपनी बात छुपानी भी नहीं आपको कहनी भी है कि आपने गलत किया तो ये उपालंब की विशेषता है ये बातचीत की कला की विशेषता है संवाद की विशेषता है जो गोपियां यहाँ पर बताती अब हमारा जो अगला पद है वो है ऊ दो तुम हो अति बड़ भागी अपरस रहत तह तगाते ना ही मन अनुरागी पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी जूं जल माह तेल की गागरी बूंदन ताके लागी प्रीत नदी में पावन बोरियो दृष्टिन रूप परागी सूरदास अबला हम बोरी गुरचिंटी जूं पागी ये एक तरह से फिर वो बहस की बातचीत की उद्धव गोपियों का जो संवाद है उस संवाद में गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं बहस कर रही हैं विचार विमर्श उनके बीच में चल रहा है कई तरह की बातें होती है आपस में मित्रतापूर्ण गोष्ठी होती है तो मूल बात हो गई तो उसके बाद में अप्रासंगिक याद जैन कहना चाहिए संदर्भ से कुछ और बातें भी निकल आती इसी तरह के बड़ा एक अच्छा सा वातावरण गोपियों ने बनाया कि अब हम हंसी मजाक भी कर सकते हैं बहुत गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं है तो हम एक दूसरे पर हंसी ठिठोली कर सकते हैं मित्रों में मजाक चलता मजाक में हल्का सा चोट पहुँचाया जाती है और वो चोट जो बड़ी महत्वपूर्ण होती बड़ी मीठी सी होती है। और उसका भी कोई प्रतिकार नहीं होता उसका ये नहीं कि वापस हम भी कोई जवाब दें वो जवाब प्रतिकार होता ही नहीं उसको बस सुना जाता है और हम सहन कर लेते हैं या हमको वो भी हमको अच्छा लगता तो गोपियाँ उद्धव को कहती है उद्धव तुम हो अति बड़ भाग्य आ हाँ उद्धव जी आप कितने भाग्यशाली हो बड़ भागी हो आपका भाग्य बहुत प्रबल है अब इस वाक्य से किसी भी व्यक्ति को अगर जिस भी व्यक्ति की हम तारीफ करते हैं तो उसको अच्छा ही लग, लगता है उद्धव को भी अच्छा ही लगा होगा जब गोपियों ने कहा कि वाह तुम तो बड़े भा, बड़े भाग्यवान हो तो क्या भाग्य हो भाग्य में क्या किया अपरस रहनेह तगा से स्नेह का जो तागा है सूत्र है प्रेम का जो धागा है उससे अपरस हो उसको छुआ ही नहीं तुमने तुम्हारे मन में कभी भी प्रेम का जो सूत्र है जगा नहीं और ना ही न मन अनुरागी और न तुम्हारा मन अनुराग से पूर्ण है न तो तुमने प्रेम किया न तुम्हारे मन में स्नेह है ये तो तुम बड़े भाग्यशाली हो कितना अच्छा है आराम से संसार में किसी से प्रेम मत करो बहुत ही आराम है अपना फ़ायदे नुकसान की बात करो काम करो और अपना चले जाओ ऐसे लोग बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं और यानी ऐसे लोगों का जीवन बहुत निरर्थक होता बड़े है बड़े मूर्ख होते हैं बड़े संवेदनहीन होते हैं इनका जीवन भी क्या जीवन है वो तो पशुवत जैविक जीवन जी रहे होते हैं मानवीय जीवन तो है ही नहीं तो तुम्हें लिए तो बड़ा अच्छा है क्योंकि मानवीय जीवन के अपने कष्ट होते हैं संवेदनाओं के प्रेम के अपने कष्ट होते हैं और यहाँ गोपियाँ एक और बात कहती है कि जो इस मानवीय जीवन को जीता है वो बहुत समझदार होता है बहुत संवेदनशील होता है क्योंकि उसे अनुभव होता है और उसकी पीड़ा समझाने से समझ नहीं आती लेकिन तुम बड़ भागी भाई तुम्हारा बहुत अच्छा क्योंकि तुमने क्या किया अपरस रहे तो स्नेह तगाते हैं उसे तुम अलग रहे स्नेह के तागे से ना ही मन अनुरागी पूरे ही पात अब फिर गोपिया उदाहरण तो जरूर देंगी क्योंकि दूसरों का जब तक उदाहरण नहीं दे प्रकृति का जब तक उदाहरण नहीं दे जिंदगी के अनुभव का जब तक उदाहरण नहीं दे तब तक तो बात बहुत छोटी सी है खत्म हो गई तो कहा कि तुम अकेले नहीं हो प्रकृति में भी ऐसी चीजें मिलती तो जैसे उन्होंने कहा पूरे पात रहत जल भीतर कमल का जो पत्ता है कमल जल के भीतर रहता है तारस देह न दागी उससे उसकी देह में उसके पत्ते में पानी के कारण दाग नहीं लगता किसी भी दूसरे पत्ते को आप पानी के अंदर डाल दो या पानी अगर वो छू जाता है थोड़ी देर देर बाद वो गल जाता क्योंकि वो जो पानी है उस पत्ते में चला जाता एक सामान्य लेकिन कमल का जो पत्ता है उसका जो पात है उसमें कोई दाग नहीं लगता क्यों क्योंकि जो पूरी कमल का पत्ता जो है प्रेम ही नहीं करता उसे ऐसे भी नहीं वो मृत है वो जीवित है मृत के समान ऐसा भी नहीं सूखा है वो तो हरा है उसमें जीवन है लेकिन चूंकि वो प्रेम नहीं करता उसे कोई संबंध नहीं है आत्मीयता नहीं है इसलिए उसने तो उसका दाग ही नहीं लगता जो जल ही तेल की गागर बूंदन ताके लगे अब तेल का जो गागर तेल का जो घड़ा है आप पानी के अंदर भी डाल दो या उसके ऊपर पानी गिराओ तो उसके अंदर एक बूंद भी नहीं ठहरती अब ये तो जिसको पता है वही लिखेगा ना सूरदास को पता है गोपियों को पता है उस युग में पता था कि तेल गागर में भरा जाता है और उस गागर के ऊपर अगर पानी आज भी पा, तेल के ऊपर पानी डालोगे तो पानी रुकेगा ही नहीं वो हट जाएगा चला जाएगा तो तुम तो उस घड़े के समान हो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल माही तेल की गागर बूंद ने ताके लागी उसके जैसे वो बूंद नहीं लगती वाह भाई भाई तुम तो बहुत अच्छे हो और यहाँ पर उद्धव को अकेला नहीं करे तुम तो अकेले विचित्र प्राणी हो नहीं 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 तुम भी उसी तरह को बहुत अच्छा प्रीत नदी में पावन बोरियो दृष्टि ने रूप परागी प्रेम की नदी में तुमने अपना पांव डुबाया ही नहीं प्रीत की नदी बह रही है जीवन और उसमें तुमने तो कुछ तुमने तो उसमें पांव ही नहीं धरा तुमने तो प्रेम किया ही नहीं उद्धव की तो कोई प्रेमिका ही नहीं थी इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता तो भैया उद्धव तोरा तो बड़ा अच्छा है तुमको तो तुम्हारा बहुत आराम दृष्टि ने रूप पर आगी और तुम्हारी जो दृष्टि है वो रूप में डूबी नहीं है अनुरुक्त नहीं हुई है उस रूप को किसी के सौंदर्य को देख के भी तुम तो कभी मुग्ध नहीं हुए बड़े भाग्यशाली हो या बड़े अभागे हो या बड़े ही तुमको क्या कहना चाहिए निर्जीव तरीके तुमने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें प्रेम की अनुभूति तुम्हारे जीवन में कभी हुई ही नहीं जो कि हर मनुष्य की होती ही होती है होनी ही होनी चाहिए गोपियों के अनुसार और जो नहीं है तो बड़े भाग्यशाली भाग्यशाली या अभागे अब जो भी तुम हो तुम अपना निर्णय खुद करो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव के चरित्र और व्यक्तित्व का विश्लेषण कर दिया माप दिया अब जिसका भी चरित्र माप माप लिया जाता है निर्णय कर दिया जाता है वो अपने में ही छोटा हो जाता है और जिसके व्यक्तित्व जैसे कृष्ण का व्यक्तित्व तो बड़ा है तो आप उसका इस तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते बहुत अनुभव संपन्न है कृष्ण कृष्ण को यही बात गोपियाँ नहीं कह सकती लेकिन उद्धव को कह सकती क्योंकि उद्धव का और एक और बात भी कहना चाहती है गोपियाँ कि तुम तो हमको देने के लिए आयो लेकिन तुम अनुभवहीन हो और अनुभवहीन व्यक्ति को उपदेश देने का अधिकार नहीं है और अनुभवहीन व्यक्ति अगर कोई उपदेश देता है तो समझदार व्यक्ति उस पर सिर्फ हंस सकता उसको गंभीरता से नहीं लेता इसलिए तुम्हारी बातें हम क्या गंभीरता से लें ये सब भी कह नहीं रही ये जिसे कहना चाहिए शब्दातीत संप्रेषण है इसके माध्यम से और ये जो शब्दातीत संप्रेषण होते हैं इसके आचार्य हैं ये सूरदास और इनकी गोपियाँ और इस तरह से उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं भैया तुम तो बल्कि अजब हो बहुत अच्छा और फिर यहाँ पर वो नहीं कहते फिर भी तुम बोलते हो हमने तो प्रेम किया था हम जानती है ना तुम क्या जानते हो तुम हमको क्या सिखाओ अगर वो कहता है कि नहीं मैंने भी प्रेम किया था और मैं भी ऐसे ही कष्ट पाया और इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ कहा नहीं नहीं वो प्रेम करने से बहुत कष्ट होता प्रेम करने से दुख होता भाई प्रेम नहीं करना तो कहा तुम तो बहुत भाग्यशाली तुमने नहीं किया सूरदास अबला हम भोरी सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हम तो अबला हैं जिसमें बल नहीं है अब स्त्री को अबला रूप में बताते ही आपका क्रोध खत्म हो जाता है आप क्रोध नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अबला है तो अपने आप को ही जानबूझ करके कमजोर बता दिया और उद्धव तो भाई बहुत बड़े हो तुम्हारा तो भाग्य बहुत अच्छा और हम तो दो है हमारी विशेषताएं एक तो हम भोली हैं जो कि गोपियाँ हैं नहीं लेकिन अपने आप को कहती हैं कि हम तो बोली हैं और दूसरा अबली अबला है इसलिए भी गोपियाँ ये है कहती हैं कि हमने तो कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं ना शिक्षित नहीं है हम तो साक्षर नहीं है हमने तो जीवन में जैसा देखा वैसा जिया तुम तो समझदार हो भाई और माना जाता है कि औरतों तो में मध्यकाल की जो स्त्रियाँ थी वो उस ज्ञान में उस तरह से पगी हुई नहीं थी तो शिक्षित स्त्रियाँ ये नहीं थी सूरदास ने जानबूझ करके उनके साथ हम बहस की तो वो आराम से कह सकते है कि हम तो बोली और हमने क्या किया गुड़ चींटी जू पागी हम तो जिस तरह से चींटियां गुड़ के लिपट जाती है उसी तरह से हम तो कृष्ण के लिपट गई अब गुड़ चींटी से लिपटी माने अगर आप गुड़ पे चींटी लिपट जाती है तो चींटी की मृत्यु तो तय है ना क्योंकि न तो वो वहां से निकल सकती है और न वो जीवित रह सकती है और जो उसका जीवन तो वहीं समाप्त हो जाता है तो गोपियाँ यहाँ पर यह भी कहना चाहती हैं कि जिस तरह से कृष्ण के साथ में हमारा रिश्ता बना उस रिश्ते में फायदे वाली को तो कोई बात ही नहीं हमको तो मरना ही उसी के अंदर जिसे गुड़ में लगी हुई चिंटी मर जाती उसी के प्रेम में उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में पगी हुई ऐसी हैं अब हमारा कुछ हो नहीं सकता हम तो भोले हैं हमने घाटे का व्यवसाय किया हमने कमजोरी का व्यवसाय किया लेकिन तुम बड़ भागी भाई तुमको सब चीज़ें अच्छी अच्छी सी मिली और इस तरह से ये बहस के द्वारा गोपियों ने एक तो अपने प्रेम को रेखांकित किया कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं तुम प्रेम को जानते नहीं हो अनुभवहीन हो इसके बावजूद भी तुम उपदेश देने के लिए आगे फिर भी हम तुमको कुछ कह नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा और हमारा और कृष्ण का ये रिश्ता जो है वो महत्वपूर्ण है तो भाषा में सूरदास ने इस माध्यम से नए ढंग से चीज़ों को रखा और आज भी जब हम पढ़ते हैं ब्रबर गीत सार को पढ़ते हैं और जो बहस करने की जो कला है उस कला में गोपियाँ अप्रतिम हैं और किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को परास्त किया जाए इसकी एक मिसाल अगला जो पद है जिसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर हंसी समझाए सोहंदे दे बूजत बाँच न हंसी को है जनक जनन को कहियत कौन नारी को दासी केशो वरण भेष है कैसो कई रस के अभिलाषी पावे गो कियो आप नो जोर कहोगे घासी सुनत मोन वे गयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी अच्छा ये बताओ तुम जो है ये लेकर के आए हो निर्गुण का निर्गुण का परिचय भी दे रहे हो तो जरा हमको ये बताओ निर्गुण किस देश का वासी है एक बहुत ही सामान्य परिचयात्मक टिप्पणी होती है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके निवास स्थान के बारे में पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो आप बनारस के हो कि इलाहाबाद के हो काशी के हो दिल्ली के हो कि जयपुर के हो कहाँ के हो कौन देश को वासी क्योंकि परिचय का जो क्रम है वो निवास स्थान से शुरू होता है और उसके बाद में और आगे जाता है कि तुम इसका माता पिता कौन है जनक कौन है और जननी कौन है इसकी नारी कौन है पत्नी कौन है इसकी इसकी दासी कौन है तो जरा परिचय हमको दें। अब क्या होता है कि निर्गुण ब्रह्म की तो रेखा रूप वगैरह कुछ भी नहीं होता वो तो माना जाता है कि वो तो एक शून्य होता है और वो जो मूर्ति की भी पूजा करने का तो निर्गुण वाले योग मत वाले विरोध करते रहते हैं वो तो होता ही नहीं तो उस निर्गुण ब्रह्म को जिस निर्गुण ब्रह्म को दर्शन के रूप में उद्धव यहाँ पर लेके आए उस वो जानना चाहती हैं बहुत ही कहना चाहिए लौकिक भाषा में बहुत व्यवहार की भाषा में जानना चाहती हूँ और हम तो सचमुच में जानना चाहती हैं कि किस देश का वासी फिर मधुकर हे मधुकर हे भौवरे चूँकि गोपियाँ उद्धव से सीधे बातचीत नहीं करती और ये माना जाता है कि जो भारतीय स्त्रियाँ हैं वो पर पुरुष से बात नहीं करती तो बीच में एक जो भौरा आ गया था उस भौरे को संबोधित करते हैं और वो उद्धव सुनता है। तो उस हे मधुकर बोरे को कह रही है जिसका अर्थ है कि हे उद्धव तो मिलजुल करके आता तो हे मधुकर हंस करके वो कहते हैं समझा दो हमको भैया बता दो सोगन दे करके तुमसे सोह दे बूझ सांच सच्ची बात हम जानना चाहते हैं सौगंध देकर के और ये गाँव के अंदर सौगंध दे के पूछने की बहुत हमारे देश में परंपरा पहल बहुत तुम्हें तो सौगंध दे इस बात की तो उसके बाद माना जाता है कि जब सौगंध दे दी जाती है तो आदमी झूठ नहीं बोलता सच बोलता है तो हम तुमको भी सौगंध देते हैं और मजाक नहीं कर रहे जबकि मजाक कर रही तब भी कहते हैं हंसी नहीं है और क्या कह रहे हैं हंसी नहीं है मजाक नहीं कर रहे हैं सच्ची मुच्ची बताओ कि तुम हमको समझा दो इस बात को हमारी ये समझ नहीं आया तुमने इतनी देर तक ये जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोला जो ये पृष्ठभूमि का वक्तव्य है जो इस कविता का हिस्सा नहीं है ये निर्गुण कहाँ का रहने वाला इसके जनक कौन है इसकी जननी कौन है नारी इसकी कौन है दासी कौन है केशो वरण किस रंग का जैसे हमारे कृष्ण तो है श्याम रंग के या है जो गोरी है। तो ये जो निर्गुण है इसका रंग कैसा भेष है, है कैशो किस तरह के वस्त्र पहनता हर व्यक्ति कपड़े पहनता है ना किसी को साफा पसंद है किसी को आ, कोई धोती पसंद है को, कोई कमीज नहीं पहनता या कोई पहनता है पहनता कुछ तो कपड़े पहनता होगा ना औरतें अलग ढंग के कपड़े पहनती पुरुष अलग ढंग से कपड़े पहनता है कुछ तो उसकी विशेषताएं होती ना जैसे कृष्ण के वस्त्रों का एक पूरी पीताम्बर वो धारण करते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण तो।, तो ये कौन सा वस्त्र धारण करते हैं तो कैसा भेष है और के ही रस के अभिलाषी अब ये बहुत बारीक पूछा किस रस के अभिलाषी हैं किसी मनुष्य को जब हम सीख जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं भैया इसको क्या अच्छा लगता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं तो अच्छा खट्टा अच्छा लगता है या मीठा अच्छा लगता अच्छा 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 है क्या अच्छा लगता है इससे और जीवन में भी आपको क्या अच्छा लगता है कविता में आपको क्या अच्छा, अच्छा लगता है आपको किसकी कविताएं अच्छी लगती कौन जो नौ रस है शास्त्र में यहाँ एकदम से गोपियाँ जो है ना शास्त्रीय हो जाती है और शास्त्री होकर के बहुत ही बारीक सवाल पूछती है के ही रस के अभिलाषी किस रस का कि उनके मन में अभिलाषा रहती है हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रस की अभिलाषा रहती है तो इनके मन में कौन सी रहती है और ये रस फिर वो नौ रस और ये रस क्योंकि वो तो लिप्त नहीं है निर्गुण ब्रह्म तो वो तो कोई रस के अभिलाषी है हो ही नहीं सकते लेकिन वो मना कैसे करेगा क्योंकि लौकिक भाषा में सीखते समय हमें जान जानना पावे गो पुन आपनो जो है कहे गो घासी अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जो है वो अपना किए फल पाओगे झूठ नहीं बोलना सच्ची सच्ची बताओ कि हम तुमसे सच में जानना चाहती हैं और एकदम से बोली बन करके और और बन बोली रही हैं लेकिन गोपियां बहुत समझदार है ये बात गोपियों को पता है और जब पता है तभी वो इस तरह का मजाक कर पाते हैं सूरदास को पता है इसलिए उन्होंने सृजन किया और उद्धव को इस बातचीत के दौरान पता चलता और ऐसा लगता है कि जैसे ये समझ के नहीं आए थे कि गोपियाँ इतनी समझदार होंगी कि मुझे इस तरह से उलझा देंगी तो धीरे धीरे उसको एहसास होता है गोपियों की बुद्धिमत्ता का कलात्मकता का उनकी ज्ञान का समझ का मजाक करना कोई मजाक नहीं होता बहुत मुश्किल चीज़ होती है और गोपियाँ जब उसके अंदर ले जाती जो तर्क करती अद्भुत तर्क करती है और वो जब और उसके लिए उद्धव पहले से तैयार होकर नहीं आए थे कि वो ऐसा बोलेंगे ऐसा मेरे को जवाब देना तो अनजान थे बहस में और जब आप अपने विरोधी से अनजान होते हैं आपको पता नहीं होता है अगला कैसा है तब आप बहस में उसे नहीं जीत सकते और गोपियां तो जान गई थी कि अच्छा ये कृष्ण के ये हैं और इसलिए वो कहते हैं कि मजाक नहीं हमको झूठ नहीं बोला सच सच बता दो ये जब तर्क उद्धव ने सुना सुनत मौन वे रे रयो सो सूर शबे मति नासी के उद्धव जो ने जो है ये जब तर्क सुना ये जब बातें सुनी तो ठगे से रह गए कोई जवाब ही नहीं था और उनकी सारी जो बुद्धि थी वो भाग भाग्य नष्ट हो गई माने कुछ दिमाग में आया ही नहीं कि इस बात का जवाब कैसे दें क्योंकि वो तो दर्शन का बड़ा भारी विषय है जिसमें आप ईश्वर का स्वरूप बता रहे हो निर्गुण ब्रह्म ऐसा होता और यहाँ पर जो सवाल पूछा वो दैनिक दिन लौकिक जीवन का सवाल पूछ लिया अब उस दर्शन की भाषा को दर्शन के निर्गुण स्वरूप को लोक में कैसे व्यक्त करें ये उद्धव को कला नहीं आती थी और ये कहीं भी निर्गुणवादी जो चिंतक थे उन्होंने रखा नहीं और यहीं पर सूरदास ने उंगली रखी कि ये तुम्हारा कमजोर पक्ष है और इस तरह जब खंडन किया एक ऐसे विरोधी का मत का खंडन किया जो तर्क के स्तर पर जिसका खंडन हो नहीं सकता उसी को सूरदास ने यह आयोजन करके इसमें खंडन किया जो आपको इन पंक्तियों में देखने को मिलता है